हेलो दोस्तों, जीत अकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस। यह मई 2020 का थर्ड वीक है दोस्तों, जिसमें 80 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप इस सप्ताह देख सकते हैं मई के थर्ड वीक में। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आया है, क्वेश्चन देखिए, विच एयरपोर्ट हैज बीन नेम्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द 8 ईयर्स इन अ रो एट द स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। यानी कि स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में किस हवाई अड्डे को लगातार 8वें साल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो राइट आंसर इसका बनता है जो वो है आपका चांगी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। किसे नए और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका इंदु शेखर चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द इनऑग्रल फिडे chess.com ऑनलाइन नेशन कप। यानी किस देश ने फिडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एल्सा कॉर्प। यानी कि ELSA कॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका अजिंक्य रहाणे जी को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑल दोज पुलिसमैन हु रेंडर्ड देयर सर्विसेज फॉर 30 डेज इन द फाइट अगेंस्ट कोरोना विल बी ऑनर्ड विथ करमबीर मेडल। यानी किस राज्य में उन सभी पुलिसकर्मियों ने जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवाएं प्रदान की है ना, उन्हें करमबीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। राइट आंसर जो बनता है दोस्तों वो है आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, विच कंट्री विल इंक्रीज द वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट फ्रॉम 5% to 15% फ्रॉम 1 जुलाई। यानी कि कौन सा देश 1 जुलाई से मूल वर्धित कर वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करेगा। तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका सऊदी अरबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक चार्जेस एट डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी किसने श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका DPS नेगी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड हिज थर्ड बुक फियर ऑफ गॉड। यानी किसने अपनी तीसरी पुस्तक फियर ऑफ गॉड लिखी है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका BDS चंद्रवर्धन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज अटेंडेड अ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ G20 कंट्रीज। यानी किसने G20 देशों के वाणिज्य मंत्रियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में भाग लिया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेश रॉय हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द, देवेश रॉय का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे। तो वह एक थे जो बंगाली ऑथर थे वो। अगला प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच स्टेट नवाड हैज सैंक्शनड ₹1500 करोड़ टू इंश्योर कंटिन्यूअस क्रेडिट फ्लो टू फार्मर्स। यानी किसानों को निरंतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नवाड ने किस राज्य के लिए ₹1500 करोड़ की मंजूरी दिया है। तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है पंजाब। अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशंस एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे। यानी किस दिन विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 17 मई को। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल इंडेंजर्ड स्पेसिस डे। यानी किस दिन राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया गया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 15 मई। अगला प्रश्न है,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, किसको जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है दोस्तों। राइट आंसर जो बनता है वो है आपका जुबैर इकबाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, FDI लिमिट इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर ऑटोमेटिक रूट हैज नाउ बीन रेज्ड फ्रॉम 49% टू हाउ मच परसेंट, यानी कि स्वचालित मार्ग तहत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में FDI सीमा अब 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका 74%। अगला प्रश्न क्या है, तो विच IIT हैज डेवलप्ड इंट्रैक्टिव डैशबोर्ड MIA AHR COVID-19 डैशबोर्ड टू हेल्प कंटेन COVID-19 कम्युनिटी इन्फेक्शन पोस्ट लॉकडाउन, यानी किस IIT ने लॉकडाउन के बाद COVID-19 के सामुदायिक संक्रमण में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव डैशबोर्ड MIR AHD COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका IIT गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच सिटी पुलिस लॉन्च थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर थ्रू विच पुलिस पर्सोनल विल बी एबल टू डिटेक्ट टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 10 to 50 meters, यानी किस शहर की पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया जिसके माध्यम से पुलिस कर्मचारी 10 से 15 मीटर की दूरी से बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम होंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू ADB's रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमी में सफर्स हाउ मच इन लॉसेस ड्यू टू COVID-19 पैंडेमिक, यानी कि ADB की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में COVID-19 महामारी के कारण कितने ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका $8.8 trillion। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु पार्टिसिपेटेड इन द 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHA थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, यानी किसने 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट COE रिलेटिंग टू बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हु वॉज द चेयरमैन, यानी कि सरकार ने सीमा अवसंरचना से संबंधित विशेषज्ञों की समिति की 3 महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार और कार्यान्वित किया है, चेयरमैन इनके कौन हैं। तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका BD Sekhar, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चरण पादुका कंपेन फॉर द माइग्रेंट लेबरर्स पासिंग थ्रू द स्टेट, यानी कि किस राज्य सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया, जो कि एक बड़ी अच्छा अभियान है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका बनता है मध्य प्रदेश, बहुत सारे स्कीम्स मध्य प्रदेश आपको देती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, इसराइल के प्रधानमंत्री कौन है। तो राइट आंसर जो बनता है वो है आपका बेंजामिन नेताहायू। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23rd नंबर, रत्नाकर मटकारी हैज पास्ड अवे रिसेंटली ही वॉज द, यानी कि रत्नाकर मटकारी का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे। तो वो एक थे जो कि मराठी राइटर थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, यानी कि किस दिन विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया है, यानी मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका 17 मई को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड 45th स्टेटहुड डे ऑन 16th मई, यानी किस राज्य ने 16 मई को 45वां राज्य दिवस मनाया है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है सिक्किम। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता रैना एंड दिविज शरण आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यानी कि अंकिता रैना और दिविज शरण किस खेल से संबंधित है। तो राइट आंसर बनता है टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी, यानी कि वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर बनता है वो है आपका फैंग फैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच कंपनी हैज एग्रीड टू इन्वेस्ट
6,598.38 crore in Jio Platform Limited for 1.34% stake. यानी किस कंपनी ने 1.34% हिस्सेदारी के लिए Jio Platform Limited में 6,598.38 crore के निवेश की सहमति दिया है दोस्तों? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका जनरल अटलांटिक। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। थॉमस थावेन हैज रिजाइंड, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यानी कि थॉमस थावेन ने इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री है? तो कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर लिख सकते हैं। राइट आंसर इसका बनता है लेसोथो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु टुक चार्जेस एज द चेयरमैन ऑफ द WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यानी किसने WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका हर्षवर्धन साहब। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च राजीव गांधी किसान न्याय योजना। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, Who has been honored with the 2019 Alexander Dalrymple Awards? यानी किसको 2019 Alexander Dalrymple पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर बनता है वो है आपका विनय बधवाड़ को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच अमाउंट हैज बीन डिसबर्स्ड बाय नाबार्ड टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स RRBs फॉर नॉन लेंडिंग टू फार्मर्स। यानी किसानों को ऋण देने के लिए नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितनी राशि भुगतान किया है? राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है 20,500 करोड़ रुपए, काफ़ी भारी अमाउंट है। Who has been appointed the chairman of the National Bank for Agriculture and Rural Development NABARD? यानी किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है गोविंद राजूजू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल डेंगू डे। यानी कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 16 मई को। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल म्यूजियम डे। यानी किस दिन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर बनता है 18 मई को। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बी डे। यानी किस दिन को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका 20 मई को। अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड वीडियो KYC फैसिलिटी फॉर कस्टमर्स ओपनिंग सेविंग अकाउंट्स। यानी किस बैंक ने बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू किया है? राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच रेलवे जोन डेवलप्ड रोबोटिक डिवाइस रेल बॉट RBOT टू असिस्ट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट फंक्शन। यानी किस रेलवे जोन ने अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता के लिए एक रोबोट डिवाइस रेल बॉट यानी कि RBOT विकसित किया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है साउथ सेंट्रल रेलवे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, सिक्स सिटीज हैव बीन रेटेड 5 स्टार बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एज गार्बेज फ्री सिटीज, विच वन इज ऑड। यानी कि 6 शहरों को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कचरा मुक्त शहरों के रूप में 5 स्टार का दर्जा दिया है, 6 में से कौन सा राज्य नहीं है उसका बताना है? तो राइट आंसर बनता है पुणे इसमें से नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICC क्रिकेट कमिटीज हैज रिकमेंडेड अ बैन ऑन द यूज ऑफ सैलिबा टू मेक द वॉल साइन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ ICC क्रिकेट कमेटी। यानी कि ICC क्रिकेट समिति ने गेंद को चमकदार बनाने के लिए लार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश किया है, ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष कौन है? आपको ये बताना है। राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है अनिल कुंबले जी। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट 12,000 HP मेड इन इंडिया लोकोमोटिव हैज बीन पुट इन टू ऑपरेशन बाई इंडियन रेलवेज, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी।
और फैक्ट्री। भारत में बने पहले 12,000 एचपी के लोकोमोटिव्स को भारतीय रेलवे द्वारा परिचालन में लाया गया है, यह किस कंपनी द्वारा निर्मित किया गया दोस्तों? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY हैज बीन एक्सटेंडेड बाय विच ईयर, यानी किस वर्ष तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को बढ़ा दिया गया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका सेकंड 31 मार्च 2023 तक ले। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। कहता है गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू किया है, यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आपको ये बताना है। तो राइट आंसर इसका बनता है ओडिशा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है इन विच सिटीज तत्पर अ स्कीम हैज बीन लॉन्च टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स, यानी किस शहर में प्रवासी श्रमिकों को ले जाने के लिए तत्पर योजना शुरू किया गया है? राइट आंसर इसका बनता है वो है रांची। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हु हैज बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड बाय नाडा फॉर वायलेटिंग एंटी डोपिंग रूल्स, यानी कि डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए नाडा द्वारा अंतिम रूप से किसको निलंबित किया गया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों, दो व्यक्ति हैं जिनको किया गया है, सबिता कुमारी और दूसरा है अंकित सिसोदिया जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आया है। इन विच स्टेट मी अन्नपूर्णा An inclusive programs for welfare of farmers has been launched, यानी किस राज्य में किसानों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम मी अन्नपूर्णा शुरू किया गया दोस्तों? राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है बुंदेसलीगा प्राइमरी फुटबॉल लीग ऑफ विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स इवेंट फॉर रिज्यूम पोस्ट कोविड 19 लॉकडाउन, यानी किस देश की बुंदेसलीगा प्राइमरी फुटबॉल लीग कोविड 19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाला पहला प्रमुख खेल कार्यक्रम बन गया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका जर्मनी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ अलीबाबा को फाउंडर हु विल रिजाइन फ्रॉम सॉफ्ट बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि अलीबाबा के सह संस्थापक का नाम क्या है जो सॉफ्ट बैंक के निदेशक मंडल से इस्तीफा देंगे? तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका जैक मा। अगला प्रश्न है हु हैज टेकन ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA, किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है दिलीप ओमन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेटसी मजोरो स्वॉर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी कि मुकेटसी मजोरो ने किस देश के नया प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो राइट आंसर बनता है वो है आपका लेसोथो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। हु हैज बीन बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नारेडको, यानी कि कौन राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नारेडको के नए महानिदेशक बन गए हैं? तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका राजेश गोयल जी। अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव सुकून कोविड 19 बीट द स्ट्रेस, यानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक पहल सुकून कोविड 19 बीट द स्ट्रेस शुरू किया है? तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है जम्मू एंड कश्मीर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, यानी किस दिन विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर इसका बनता है दोस्तों वो है आपका 20 मई को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट है विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल टी डे, यानी किस दिन अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका बनता है 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हु हैज लॉन्च अ न्यू मोबाइल ऐप नेम्ड नेशनल टेस्ट अभ्यास फॉर JEE मेन नीट मॉक टेस्ट, यानी किसने JEE मेन नीट मॉक टेस्ट के लिए नेशनल टेस्ट अभ्यास नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर की बात करते हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक जी।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं. हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी किसे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया दोस्तों. राइट आंसर जो बनता है वो है आपका कार्मेन हिनहार्ट रिनहार्ट. अगला प्रश्न है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्टार्टअप फंड टू इनकरेज द यूथ ऑफ द स्टेट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है. तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार. अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट हैज बिगन दीदी व्हीकल सर्विस फॉर सेफ डिलीवरी ऑफ रूरल वुमेन, यानी कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू किया है. तो राइट आंसर बनता है वो है आपका मध्य प्रदेश. बोला ना, मध्य प्रदेश बहुत सारे स्कीम लॉन्च करते रहता है. अगला बात है, विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, यानी किस दिन संवाद और विकास के लिए राष्ट्रकृति सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस मनाया जाता है दोस्तों. तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका 21 मई को. अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल एंटी टेररिज्म डे, यानी किस दिन को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है. तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका 21 मई, यानी कि 21 मई को. अगला प्रश्न है कि हाउ मच एड इंडिया हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फॉर द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्ल्ड वर्क्स एजेंसीज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पैलेस्टीनिया रिफ्यूजीज, यानी कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की राहत और निर्माण एजेंसी के लिए भारत ने कितनी सहायता देने का फैसला किया है. तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है $2 मिलियन. चलो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. ब्लैंक्स दिया हुआ हैज रिलीज्ड अ स्पेशल पोस्टल कवर डेडिकेटेड टू द माइग्रेंट वर्कर्स विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेइंग ट्रिब्यूट, यानी कि किसने प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से समर्पित एक विशेष डाक कवर जारी किया है. तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है इंडिया पोस्ट. अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं. नेक्स्ट है, नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक स्टार्टअप टू बिल्ड इट्स ओन टेक प्लेटफॉर्म्स. नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने स्वयं के तकनीकी प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किस फिटनेट फिनटेक स्टार्टअप के साथ भागीदारी की है. तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका डॉट पे. अगला प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द एवरीडे विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, यानी किस राज्य सरकार ने एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट्स योजना का उद्घाटन किया है. तो राइट आंसर बनता है नन अदर देन मध्य प्रदेश. अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, वो है व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट, यानी कि वर्तमान रेपो रेट क्या चल रहा है. तो राइट आंसर इसका बनता है 4% है. अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैक्सिस रिपोर्ट हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट $37.4 मिलियंस. फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई है दोस्तों. तो राइट आंसर बनता है इसका वो है नाओमी ओसाका. अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO, यानी किसको फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका जाम्बी फुकन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेब्ट फॉर 2018-19 कंपाइल्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट्स डेब्ट एज अ परसेंटेज ऑफ DGP ड्राफ्ट मार्जिनली बाय हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2018-19, यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा संकलित 2018-19 के लिए सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार के ऋण GDP के प्रतिशत के रूप में मामूली रूप से कितना प्रतिशत कम किया गया. तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 0.1%. अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं. कहता है, हु अनाउंस्ड एन इनिशियल फंडिंग ऑफ फाइव मिलियंस, ठीक है, टू असिस्ट इंडियाज डील विथ डिवास्टेटिंग ऑफ साइक्लोन्स अम्फान, यानी किसने चक्रवात अम्फान की तबाही से निपटने के लिए भारत की सहायता के लिए ₹10 मच की प्रारंभिक निधि की घोषणा किया है. तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका फर्स्ट यूरोपियन
यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है विच कंपनी विल इन्वेस्ट रुपीज 11,367 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर अ 2.32% स्टेक, यानी कौन सी कंपनी 2.32% हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका KKR नॉट SKR। विथ विच हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड हैज़ पार्टनर्स टू डिलीवर इसेंशियल प्रोडक्ट्स टू टी प्लेटफॉर्म प्लांटेशन वर्कर्स इन द असम, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने असम में चाय बागान श्रमिकों को आवश्यक उत्पाद देने के लिए किसके साथ भागीदारी किया है दोस्तों। तो राइट आंसर इसका जो बनता है वो है आपका यूनिसेफ के साथ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू सेटअप अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, यानी किस कंपनी ने नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। राइट आंसर जो बनता है वो है आपका ONGC एंड NTPC। व्हाट इज द नेम ऑफ रिनॉन्ड वोकलिस्ट हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि प्रख्यात गायिका का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका श्यामलाल जी भावे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर उत्तर प्रदेश मिनिस्टर हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है नेपाल सिंह। अगला प्रश्न की बात करते हैं, विच कंट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स एट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक होशेन कजेमपुर अर्देवेली हैज पास्ड अवे, पेट्रोलियम्स निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में किस देश के प्रतिनिधि होशेन कंपजोर अर्देवेली का निधन हो गया। तो राइट आंसर बनता है वो है आपका ईरान। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी किस दिन जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों वो है आपका 22 मई को। अगला प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, यानी किस दिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है 18 मई को। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं, कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ स्टेट, यानी किस राज्य सरकार ने राष्ट्र के प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पास्ड एन ऑर्डिनेंस टू सस्पेंड लेबर लॉज फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी किस राज्य सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए एक अध्यादेश पारित किया है। तो राइट आंसर इसका बनता है वो है आपका उत्तर प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से है कि लो कॉस्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE डेवलप्ड बाय इंडियन नेवी हैज बीन सक्सेसफुली पैटेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री, यानी भारतीय नौसेना द्वारा विकसित एक कम लागत के व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण को किस मंत्रालय द्वारा सफलतापूर्वक पेटेंट कराया गया है। तो राइट आंसर इसका जो बनता है दोस्तों वो है आपका डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इसी के साथ खत्म होता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जुड़ना चाहते हैं या तो PDF चाहिए तो PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएंगे और वहाँ पे आप अगर मैसेज करते हैं तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी साथ साथ और भी सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। हमारा एक वेबसाइट भी है, उसे भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं, jeetacademy247.blogspot.com, जहाँ से आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।